हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंट होने वाली है हम सभी के लिए, बिकॉज जैसे कि ब्यूटी खान की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो उसी के चलते पुलिस वालों ने एक सख्त एक्शन लिया उसके खिलाफ कि अगर जिसके फ़ोन में भी वो वीडियो पाई गई या जिसके फ़ोन से भी वीडियो शेयर होती हुई पाई गई हम लोगों को, सीधा उसके पास सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई जमानत नहीं होगी, कोई बेल नहीं मिलेगी उस आदमी को जिसकी भी जिसके पास भी वो वीडियो होगी। क्योंकि हो क्या रहा है ना गाइस, जैसे कि हमारे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बिकॉज वो भी अपना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन के चलते उनके उन्हें सुसाइड कर ली थी। तो इसी के चलते पुलिस वालों ने एक नियम निकाला, मतलब कानून लागू किया है कि अगर ये वीडियो जो ब्यूटी खान की रोस्ट हो रही है, वो बेचारी रो रो के लाइव पे आकर बोल रही है कि मेरी वीडियो प्लीज़ आप डिलीट कर दें, आप वायरल ना करें, बट हम लोग नहीं समझ रहे हैं अभी। अब होता क्या है ना गाइस, पब्लिक तब समझती है जब वो इंसान आत्महत्या कर लेता है या वो इंसान जब कुछ कर लेता है। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ उस चीज़ को कि वो ऐसा कर लेगी, लेकिन डिप्रेशन में अगर वो चली गई तो ये चीज़ हो सकती है। तो गाइज, अगर जिस किसी भी हम जिम्मेदार हम होंगे, अगर उनके साथ कुछ भी होता है उनके जिम्मेदार हम लोग होंगे, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत जी नहीं रहे तो उनके साथ अब दुनिया लड़ रही है, ठीक है। जब वो थे, जब उनके साथ किसी ने दिया, अब वो लड़की है तो हम लोग उसका साथ देना चाहिए। हम लोग जिस जो कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहा है या जो कोई भी वीडियो डाल रहा है, हमें उसके साथ हमें मतलब कि पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए उसके खिलाफ कि ये बंदा यहाँ से पोस्ट कर रहा है, उसकी वायरल कर रहा है। तो जिन लोगों के पास भी वीडियो है, अभी के अभी जाके आप लोग डिलीट कर दें, किसी को शेयर करना बंद कर दें बिल्कुल ही, क्योंकि हम लोगों की बहनें हैं। अब ये बोल रहा था, अगर हमारे घर में भी बहनें हैं, हम उनको नज़रों से देखते हैं, इन नज़रों से, अगर इन नज़रों से ही हम किसी दूसरे की बहन बेटी की वीडियो देख रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। वीडियो जिस किसी के पास भी होगा, हाथ जोड़ के दो वीडियो बना रहा हूँ, सेकंड वीडियो हो रही है मेरी, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ गाइस, उसकी वीडियो आप प्लीज़ अभी के अभी जाके डिलीट कर दें गाइस। इतनी गर्मी में बैठ के मैं ऊपर बैठ के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि वो लड़की इतना लाइव पे आके रो रो के बोल रही है कि प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज़ वायरल मत करो। गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान को मौका दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं मान रहे हो तो पुलिस अपना काम कर रही है, फिर जिसके पास भी वीडियो शेयर करती मिलेगी उसको जमानत नहीं होगी। मैं अभी बता रहा हूँ गाइस, जिस किसी के पास भी वो वीडियो मिली उसकी जमानत नहीं होगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप मानो या ना मानो, अभी प्लीज़ शेयर करना बंद कर दो, हमारी बहन बेटियाँ हैं वो, प्लीज़ शेयर करना बंद कर दो आप लोग गाइस। टिकटॉक पे भी एक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली है उनकी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बंद कर दें आप लोग, हमारी घर की बहन बेटियाँ हैं वो लोग, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना बंद करें। हो गई गलती, पछतावा हो गया उनको, तो इसका मतलब ये नहीं हम वीडियो हर जगह शेयर करेंगे, ये कोई इंसाफ नहीं होता, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश रहेगी, आप वीडियो प्लीज़ डिलीट कर दें अभी के अभी जाके। और थैंक यू गाइज, अगर आप लोग मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचाते हो जिनके पास ये वीडियो है, तो मैं इससे अच्छी बात और कुछ नहीं मानूंगा। अगर मेरे थ्रू किसी लड़की की ज़िंदगी बन रही है तो मैं चाहूँगा यार, मुझे 10 गाली देनी हो आप लोग दे लो, लेकिन उसको सपोर्ट करो प्लीज़, वीडियो डिलीट करवाओ, जिस किसी के पास भी है प्लीज़ डिलीट करवा दो आप।